हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं 7.5 इंच रखूँगी, आप इससे कम भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको ये शेप देंगे। करीब 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से हम इस तरह से इसको शेप देंगे थोड़ा अंदर को। फिर यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए इसको इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर हमने इसके जो गहराई दी है वो करीब 1/2 इंच है और जहाँ पर हमने गोलाई दी है उसकी दूरी हमारे नेक से करीब 4.5 इंच पर है। तो आप इस तरह से निशान लगाकर ये शेप दे सकते हैं। और इसके बाद हम करीब 1 इंच की दूरी पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको डबल करते हैं। जैसे हमारी बुकरम की चौड़ाई 4 इंच थी तो इसको डबल करके हम 4 इंच से ज़्यादा लेंगे। ये करीब 5.5 इंच है और इसके बाद लंबाई भी हमें बुकरम से थोड़ी ज़्यादा लेनी है। इसके बाद हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी बुकरम की कटिंग को इस तरह से इन कट के ऊपर रखते हैं ये सिरे, और इसको हम प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें जहाँ पर हल्की सी गहराई है छोटे छोटे से 1-2 कट लगाते हैं दोनों साइड, ताकि ये अंदर की साइड को आसानी से मुड़ जाए। इसके बाद हम इसको अंदर को फोल्ड करते हुए किनारी से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। मोड़ने के बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं, बीच में एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। आप बीच में उसमें इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं, नेक के ऊपर भी और कुर्ती के ऊपर भी। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम एक कट इसके बीच में लगाएंगे और छोटे छोटे से कट हम पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। अब हम अपने गले को पलट लेते हैं उल्टी साइड को। पलटने के बाद हम इसके किनारे किनारे पर पहले एक सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद हम पीछे की साइड इसमें तुरपाई कर लेंगे। और आप इसके ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं, कोई मोती लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ये पेस्ट करने वाले मोती भी हैं और ये इनको बाद में हम सुई से भी लगा सकते हैं। इनमें दोनों साइड छेद है, तो पहले मैं इनको पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद हम इनको सुई से लगाएंगे। वो आपके अपने चॉइस है कि आप इसके ऊपर क्या लगाना चाहते हैं। तो ये हमारा नेक बहुत ही सोबर सा और बहुत ही स्टाइलिश सा नेक बन जाएगा। आप खाली पेस्ट होने वाले मोती भी यूज कर सकते हैं। आप कुर्ती कंप्लीट होने के बाद ये मोती लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो आप सिलाई की जगह छोड़कर इनको पेस्ट करें। और आप ऐसे मोती भी लगा सकते हैं जिनको हम पेस्ट भी कर सकते हैं और फिर सुई से भी लगा सकते हैं, या फिर खाली सुई से लगाने वाले मोती भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जितने कपड़े आते हैं उनमें, वो कितने भी महंगे हों, उनमें हर चीज़ पेस्ट होती है, स्टोन भी, मोती भी। ये हमारे नेक का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।